नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेनॉल्ट के आने वाली कुछ गाड़ियों के बारे में। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज की गाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत की एक अपडेटेड वर्जन आने वाली है, इसके फेसलिफ्टेड वर्जन आने वाली है हमारे इंडियन मार्केट में। अगर आप इसके लॉन्चिंग की बात करते हैं तो तकरीबन 2019 के अगस्त या फिर सितंबर तक इसे लॉन्च कर देनी चाहिए। अगर आप कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत मार्केट में अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसे काफ़ी अपडेट्स भी मिल रही हैं, इसीलिए इसको एक नया लुक देने के लिए इसके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे रेनॉल्ट की तरफ से। एंड इसकी आपको बिल्कुल एक फ्रेश लुक जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। गाड़ी काफ़ी अपीलिंग भी हो जाएगी उसके बाद। अगर आप इसके बाद दूसरी गाड़ी की अगर आप बात करते हैं तो वो एक 7 सीटर वर्जन होगी। 7 सीटर वर्जन एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। जिस प्लेटफॉर्म पर बनेगी ये गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है रेनॉल्ट की और नई SUV आने वाली है। अगर आप इस 7 सीटर के साइज़ की बात करते तो ये डाटसन गो प्लस से थोड़ी बड़ी होगी एंड आर्टिका से काफ़ी छोटी भी रहेगी। अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करते तो इसकी प्राइसिंग भी 6 से लेकर 9 लाख के बीच में रेनॉल्ट रखने की कोशिश करेगी ताकि ये पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर सके। अगर आप इसके बाहर की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वो एक फेसलिफ्टेड वर्जन होगी रेनॉल्ट डस्टर की, जैसा हमें जेनेवा मोटर शो में दिखाया गया था। उसकी लुक से काफ़ी इंस्पायर्ड होगी ये नई डस्टर और उसकी लुक एंड उसकी इंटीरियर क्वालिटीज में काफ़ी काम करेगी रेनॉल्ट। वहाँ पे हमें काफ़ी काम देखने को मिलेगी रेनॉल्ट की तरफ से और इसकी प्राइसिंग में भी थोड़ी बहुत चेंजेस की जा सकती हैं। एंड वहाँ हमें AMT वर्जन मिलेगी डीजल में एंड CVT हमें पेट्रोल में मिलने के चांसेस है। अगर आप इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं इसको लॉन्च किया जाएगा दिवाली में, इसके बाद ही जनवरी 2020 या फिर फरवरी 2020 में हमें कैप्चर की भी एक फेसलिफ्टेड वर्जन जो वो देखने को मिलेगी, जिसकी भी काफ़ी जो लुक्स है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने के चांसेस है। अगर आप इसके बाद की इसकी लास्ट गाड़ी की अगर बात करते हैं तो वो एक SUV है जिसकी साइज इको स्पोर्ट या फिर टाटा नेक्सन की तरह ही होगी, जिसके नाम्स में अभी तक कोई रिवील नहीं आई है रेनॉल्ट की तरफ से। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम उसके ऊपर ज़्यादा अपडेट्स आते ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप आने वाली इस SUV के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी होगी 6 से लेकर 10 लाख के बीच। एंड यहाँ आपको 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप अभी के मार्केट के बारे में बात करते हैं इंडियन मार्केट पर, तो रेनॉल्ट से अभी तक टाटा नेक्सन की कोई कंपटीशन वाली नहीं गाड़ी आई है, इसी वजह से वो इको स्पोर्ट या फिर नेक्सन को टक्कर देने के लिए अपनी एक नई SUV जो है वो लॉन्च करेगी और उसे पूरी तरह से लोकलाइज़ किया जाएगा, उसे इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे चैनल पर ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड छोटे मोटे ट्रिक्स के वीडियो जो है वो अपलोड करते रहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले गाड़ियों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है वो हासिल कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।